सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर प्रखंड के माधोपुर सुल्तानपुर में अल इमदाद चैरिटी ट्रस्ट में डॉक्टर कफील खान मिशन स्माइल फाउंडेशन के माध्यम से फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस बीच 260 लोगों को चेकअप के बाद मुफ्त दवाइयां दी। डॉक्टरों की टीम में श्री खान के अलावा डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता और डॉक्टर एम एन कमाल शामिल थे। श्री खान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार तानाशाही रवैये अपना रही है, पूरी सरकार झूठ पे चल रही है। उत्तर प्रदेश में सच बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता है, जिसका जीता जागता मिसाल मैं खुद हूँ। उन्होंने कहा कि NSA कानून को खत्म कर देना चाहिए ताकि कोई सरकार अपनी मनमानी न कर सके। उन्होंने कहा कि तालाब की एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक उसी तरह कुछ डॉक्टर की वजह से पूरा डॉक्टर समाज बदनाम हो रहा है। गोरखपुर BRD में बच्चों की मौत के दौरान डॉक्टर कफील खान सुर्खियों में आए थे। उन्होंने दावा किया था कि सरकार और सिस्टम की लापरवाही की वजह से बच्चों की जान गई थी। जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था तो उन्होंने अपने पैसे से ऑक्सीजन के कई सिलेंडर उपलब्ध कराए थे, लेकिन उसके बदले प्रशासनिक चक्रव्यूह के कारण उन्हें कई महीने तक जेल में रहना पड़ा था। BRD मामले में श्री खान को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी। वहीं अपने निलंबन को लेकर चल रही जाँच को कोर्ट में चुनौती दी है। गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो लगभग 7 महीने तक जेल में बंद रहे। अप्रैल 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। उसके बाद अलीगढ़ में CAA विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण का आरोप लगा था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर जेल भेज दिया, जिसका विरोध पूरे देश में लोगों ने किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को कोर्ट ने रद्द कर दिया। बीटी न्यूज बिहार के लिए सीतामढ़ी से शंभु कुमार की रिपोर्ट। जो खास तौर से जो योगी जी का क्षेत्र है वहाँ से आप आते हैं, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि दोबारा जो 2022 का चुनाव है उसमें योगी आदित्यनाथ जी वापस आ रहे हैं या उनको सरकार से बाहर होना पड़ेगा? नहीं नहीं, उनका आने से प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है। 5 साल में जो है उत्तर प्रदेश 50 साल पीछे चला गया है। तो मुझे अच्छा बेहतर ये लगेगा कि जो उनका काम है वो वापस वो गोरखपुर में जाके करें और शासन ना करें तो बेहतर होगा, और ये प्रदेश की जनता भी चाहती है। लेकिन वही उनका कहना है कि हमने बेहतर से बेहतर काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर। झूठ बोलना दूसरों को बरगलाने का काम इनका इतिहास रहा है, तो उस पर नहीं जाएंगे। आपको बता दूं, जापानी बुखार इनके ब्लाइटिस जो है गोरखपुर में खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं सिर्फ डेटा मैनिपुलेशन के लिए। आपने बहती हुई लाशें जो है गंगा नदी में देखी है जो आपके बिहार तक आई है, समझ गए? तो ये सच्चाई है। हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। मैं तो एक क्वेश्चन सिर्फ पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये बता दे कि 1 जनवरी 2021 से लेके और आज तक कितनी टोटल मौतें हुई हैं कोरोना का, छोड़ दीजिए, समझ गए? क्योंकि कोरोना की मौतें दिखाई नहीं गई, एक इंटरनेशनल मीडिया ने कानपुर के क्या कहते हैं शमशान घाट की संख्या की गिनाई थी 427 एक दिन, और पूरे उत्तर प्रदेश की संख्या थी उस दिन जो है 200 कुछ। तो आप सोचिए किस तरह से मौतों को अभी का जो है झूठा खेल खेला गया है। हमारा जो प्रोफेशन है मैं एकदम एक्सेप्ट करूंगा कि गंदी मछलियां जो हैं हमारे इस नदी में भी हैं, और अभी मैंने कुछ पहले किया था बाबा रामदेव जी के पर इतना बवाल मचा। कुछ हमारे डॉक्टर्स भी जो हैं फार्मा कंपनी के साथ, खासकर जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं इस कोरोना जैसी बीमारी में, और नॉर्मली एक गरीब पेशेंट को इस तरह से निचोड़ देते हैं, उससे पैसे लेते हैं, कमीशन का खेल होता है। एक दवाई जो आपको जो जनरिक जो है 20 रुपये में मिल जाएगी, वही दवाई हॉस्पिटल में 200 रुपये की मिलेगी। तो मैं तो मानता हूँ, पर ये हर सिस्टम की बीमार होता है हमारा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपका मीडिया भी हो, हर जगह सिस्टम में गंदे लोग हैं, लेकिन हर जगह सिस्टम में अच्छे लोग भी हैं, और उसी से हमारा भारत चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि कभी हमें निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा ही हो। तो उस दिन आप रिवॉर्ड दीजिए, आप जो है उसने होमवर्क पूरा कर लिया, मतलब आप अप्रिशिएट करोगे तो बच्चे के अंदर में भी भावनाएं आएंगी और वो सही समझेगा
कि ये चीज़ करने पे मुझे सवाशी मिलती है। बच्चे को गलत और सही सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप ही बच्चे के साथ गलत करते हो, उसे मारते हो, उसे जो है उसके सामने झगड़ते हो, तो वो बच्चा वही सीखेगा। मैंने बताया ना कि ना कि वो मिट्टी के घड़े की तरह है। कुम्हार जो है, अगर मिट्टी सूख गई और घड़ा गलत बन गया तो वो जिंदगी भर वैसी ही रहेगा। दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। रिवार्ड जो है देने से बच्चों की पर्सनालिटी में डेवलपमेंट अच्छा होता है। सिर्फ खाना खिलाना, सिर्फ पढ़ाई, ये पालन नहीं है आपके। आप ऐसे माँ बाप का जिम्मेदारी है, बच्चे की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी होता है। यानी कि बच्चा बड़ा होके दूसरों से कैसे बिहेव करे, दूसरों से कैसे बिहेव करे, ज़िंदगी कैसे चलाए, ज़िंदगी की जो है उलझनों को कैसे झेले, वो उस पर डिपेंड करता है। समझ गए? के ऊपर NSA जैसा कानून लागू किया गया था, हालांकि कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, इस पे क्या कहना है आपका? मेरे ऊपर सिर्फ नहीं आने से लगाया गया है। 1980 से जब से ये कानून बना है, ये हर राज्य सरकारें अपने उन नागरिकों के ऊपर NSA लगाती हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग करती हैं, जो उनके खिलाफ या उनकी पॉलिसी की आलोचना करता है। मैं ऐसा नहीं हूँ, हजारों लोग हैं। अब मेरा केस आप तक पहुँच गया है तो शायद आपको जानकारी हो, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो एक ड्रैकोनियन लॉ है, जिसको आप ख़त्म करना चाहिए था। और सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की जो अभिव्यक्ति हमारे संविधान ने हमें दी है, उसको खत्म करने की ये कोशिश है। सर, आपके ऊपर कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि मेरा भाषण देश तोड़ने वाला नहीं, देश जोड़ने वाला था। ये इंटीग्रिटी और यूनिटी वाला भाषण था। तो जो लोग देश को बांटना चाहते हैं, और आप समझ रहे होंगे, ये जो मोदी जी और योगी जी तो चेहरा है, उसके पीछे जो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन 1925 से काम कर रहा है, उनकी ये स्थिति है कि इन भाषणों को वो, और आप मेरा, आप देखिए मेरा भाषण, उस पूरी 35 मिनट की स्पीच का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसक्रिप्ट लिखा है, और लिखा है कि जो मैंने बोला वो देश के अखंडता के लिए बोला है। अगर ये कहना कि भाई अब ये अपने वजूद की लड़ाई नहीं है, आप दूसरों में प्यार फैलाइए, इसको अगर आप भड़काऊ मानते हैं तो वो गलत है। बात ये NRC और NPR की है, तो अगर ये फिर से लॉ लाएंगे तो फिर से हम मैदान में हैं, हम हटने वाले नहीं हैं। सर, एक और सवाल है, चूँकि